सीएम योगी आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या क्या सौगात मिलने वाली नोएडा वालों? कल माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ विजिट है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों प्राधिकरणों से जुड़े हुए लगभग 1720 करोड़ की 120 से ऊपर परियोजनाएं हैं, जिसमें अराउंड 550 करोड़ की योजनाएं हैं जो पूरी हो गई हैं, जिनका लोकार्पण किया जा रहा है, और लगभग 1200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास है। मुख्यतः इन परियोजनाओं में नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच में और ग्रेटर नोएडा के बीच की कनेक्टिविटी का परथला पुल, जो काफ़ी समय से अवेटेड था, उसका लोकार्पण है। एक्सप्रेसवे पे एडवेंट के समीप जो अंडरपास बन रहा है उसको भी कल लोकार्पित कराया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रा से, वाटर से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में वेस्ट एरिया को कैटर करने के लिए नया वहाँ पे साइट ऑफिस बनाया गया है, उसका लोकार्पण है। इसके अलावा दोनों शहरों के जो वेस्ट जनरेट होता है उसकी साइंटिफिक प्रोसेसिंग के प्लांट्स भी दो लगाए जाएंगे, उनका भी शिलान्यास कराया जा रहा है। परथला फ्लाईओवर कितना महत्वपूर्ण है, लोगों की डिमांड काफ़ी लंबे समय से इंतजार, काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी, लेकिन बनना, ये जो इसका पूरा प्रोजेक्ट कंसीव हुआ और टेंडर हुआ वो लगभग 3 साल पहले था, और लगभग 2.5 साल में ये बन के तैयार हुआ है। और ये नोएडा का पहला केबल सस्पेंशन टेक्नोलॉजी पे आधारित ब्रिज है, और एज अ पार्ट ऑफ नोएडा अथॉरिटी ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि पहला ऐसा ब्रिज हम लोगों ने बनाया है और सक्सेसफुली बना है, और बहुत अच्छा इंफ्रा, एक जो वाकई में लाखों लोग जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा या दिल्ली टू नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के बीच में ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है।